दीपावली त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। कामा थाने पर डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावा द्वारा दीपावली के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने को लेकर विचार विमर्श किए गए। वहीं व्यापारियों द्वारा अपने अपने सुझाव भी दिए गए। कामा अधिकारी धर्मेश दायमा ने बताया कि 5 दिवसीय दीपावली पर्व को लेकर भरतपुर पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी के निर्देश के बाद कामा थाने पर शांति समिति के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावत ने कस्बा के व्यापारियों सहित सीएलजी सदस्यों से दीपावली पर्व पर पुलिस की तरफ से की जाने वाली व्यवस्था के लिए चर्चा की गई। व्यापारियों द्वारा बैठक में अवगत कराया कि कस्बा के बस स्टैंड पर रेडियो की वजह से प्रतिदिन जाम की स्थिति रहती है और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज आने वाली छात्र छात्राओं से छेड़छाड़ की जाती है। साथ ही कस्बा के मेन बाजार में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई, जिस पर डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावत द्वारा थानाधिकारी धर्मेंद्र दायमा को तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापार महासंघ अध्यक्ष महेश सोनी, कल्लू सेठ, सतीश छाबड़ा, इलियास सरपंच, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष उमरदीन लाला राम सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पुलिस थाना कामा के अंदर आज आगामी जो 5 दिवसीय दीपावली का त्यौहार है, इस पे सद्भावना बनी रहे और लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मना सके, इसके लिए यहाँ सीएलजी की मीटिंग जो है वो आहूत की गई थी। मीटिंग में जो मुख्य मुद्दे हमारे सामने आए वो कस्बे के अंदर कुछ अतिक्रमण के, फल सब्जी जो ठेले वाले हैं इनके, कुछ जो डग्गे हैं जो प्राइवेट छोटी गाड़ियां सवारी ढोती है उनके मुद्दे सामने आए। इसके अलावा कुछ होटल से यहाँ पर जो कि गंदगी वगैरह फैलाती है उनके मुद्दे यहाँ पे आए। तो हमने जो हमारे मातहत अधिकारी थे उनको सभी को निर्देश दे दिए हैं कि ऐसी कोई भी अगर उनके सामने कोई घटना घटित होती है उस पर कार्रवाई करें, इन किस प्रकार से अतिक्रमण को हटाया जाए उसके लिए ईओ नगर पालिका जो है उससे भी संपर्क कर लिया गया है। जल्दी ही अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई इस कामा थाने में, कामा थाना क्षेत्र जो है कस्बा, इसमें करवाई जाएगी। व्यापारियों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है, व्यापारियों की तरफ से जाप और अधिक जाप्ता रात्रि गश्त के लिए कस्बे में लगाने की बात हुई है, जिस पर कि हम अतिरिक्त जाप्ता उनको रात्रि गश्त के लिए उपलब्ध करवाएंगे और त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। इसके लिए सभी पक्ष जो है, सभी धर्मों के और संप्रदाय के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, सब में आपस में सौहार्दपूर्ण चर्चा रही और बड़ी अच्छे रूप में सीएलजी मीटिंग संपन्न हुई।